राजा बलि से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बलि से कहने लगे, तुमसे तो तुम्हारी पत्नी बहुत आगे निकल गई, देखो क्या कह रही है, हमारा था ही कहाँ। तो भगवान बोले, राजा हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कोई वरदान मांग लो। तो भगवान से राजा बलि कहने लगे, प्रभु वैसे तो ये ठीक नहीं कि जो हमसे मांगे हम उससे मांगे, जिसने हमसे मांगा उसको देना है, मांगना थोड़ी है। पर फिर आप तो सिर्फ साधारण मांगने वाले नहीं हो ना सरकार, आप तो सबको देने वाले हो, तो अगर आप हमें देना चाहते हो तो इतना ही दे दो कि आपकी ये बटुक छवि हमको बहुत पसंद आई है, आपका ये रूप है, आपकी जो छवि है ये हमारे दिल को भा गई है। तो बोले, आप कृपा करके हमको यही दे दो कि ये रूप हमेशा मेरे सामने रहे। भगवान कहते, देखो हम तो इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बनकर आए थे और तुमसे स्वर्ग लेना था जो हमने ले भी लिया, और हमने इंद्र को अब दे भी दिया ये स्वर्ग, हमें तो रखना नहीं, उन्हीं को देना है। लेकिन ये भी सच है कि आज हम तुम्हारी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारे दान देने की इस सरलता से हम इतने प्रसन्न हुए हैं कि जब तक वापस तुम्हें हम इस इंद्रासन पर न बैठाल दें, स्वर्ग के सिंहासन पर न बैठाल दें, तब तक तुम्हें हम रोज इसी रूप में दर्शन देते रहे। लोग दान की महिमा को कम समझते हैं। हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, आपको याद होगा राजा हरिश्चंद्र का चरित्र, याद है? याद है कि नहीं, कि भूल गए? बोलिए, याद है? आपको पता भी है राजा हरिश्चंद्र ने दान कब दिया था? बताइए कब दिया था? हैं? स्वप्न में दिया था दान विश्वामित्र जी को। कितने बड़े आश्चर्य की बात है, स्वप्न में दिया हुआ दान, जिसे सत्य करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य छोड़ दिया। आज कोई व्यक्ति कहे कि हमने आपसे स्वप्न में, आप हमें स्वप्न में भोजन करा रहे थे, आप हमें भोजन करा दीजिए, कराओगे? चला, पता नहीं कहां से आ जाते मुंह उठा के। क्यों? क्योंकि आज हमें हमारी सत्यता से, हमारे धर्म से उतना प्रेम नहीं, निष्ठा नहीं है। पहले लोग कहते थे प्राण जाए बर वचन न जाए, आजकल क्या कहते हैं? क्या कहते? प्राण जाए पर नोट न जाए, चाहे जान चली जाए पर धन नहीं जाना चाहिए। देखिए, पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के इतने दीवाने मत बनो कि सिर्फ अगले जन्म में हमको भी सांप बन के ही आना पड़े इस दुनिया में। पैसा कितना चाहिए? प्रभु जी इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा। मैं बार बार इतना बोल रहा हूं, मुझे ये भी पता है कि सारे लोग नहीं समझ जाएंगे, सारे लोग दानी नहीं बन जाएंगे, पर जो बनेंगे, जो सुनेंगे, कुछ तो परिवर्तन अपनी लाइफ में करेंगे। सच यही है, धन की अधिकता भी हमारे लिए नरक का द्वार बन सकती है। जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो भी कंडीशन खराब है, फिर उसे संभालने के लिए बड़ा माइंड चाहिए। आप देखते होंगे, देखिए धनवान वालों के यहां रोज पार्टियां होती हैं, कोई उनके यहां कुछ नहीं भी हो ना, वो दूसरों के पाम फंसा देते हैं, उन्हीं की पार्टी को अपना बना लेते हैं वो। अच्छा पार्टी हम देंगे तुम्हारे घर में, पार्टी हम देंगे तुम्हारे पर, वो भी किसको देंगे? जो बड़े लोग होंगे उनकी पार्टी। इससे बेटर है कि दुनिया को पार्टी देने की बजाय दुनिया को पुण्य दो, दुनिया को धर्म दो, दुनिया को आगे बढ़ने के लिए कल्याण के मार्ग पर वो चल सके ऐसा सदमार्ग अपने धन से दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ये सब संभव है। तो राजा बलि ने अपनी उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा बलि को आज भी सुतल लोक में भगवान दर्शन देने जाते हैं। राजा बलि आज भी सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं, और जब मनवंतर चेंज होगा तो राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। जो मनवंतर चेंज होगा, राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। किसकी बदौलत? किसकी बदौलत?
दान की बदौलत, भूमि दान की बदौलत। राजा ने भूमि दान किया था, 3 पग भूमि दी थी। तो भूमि दान का महत्व हमारे ऋषि मुनि संत शास्त्रों में कहते हैं कि भूमि दान का फल हमको तब तक मिलता रहता है जब तक ये पृथ्वी इस संसार में रहेगी।